हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर ऑल डूइंग वेल एंड योर फेवरेट फिशेस आल्सो। फ्रेंड्स, आज हम एक अनबॉक्सिंग का वीडियो करने वाले हैं, लेकिन दोस्त बॉक्स तो है ही नहीं इसमें, सो बेटर होगा कि हम इसको अनपैकिंग वीडियो बोले। फ्रेंड्स, बॉक्स नहीं है क्योंकि मैं अपना फ्रेंड के थ्रू इसको लाया हूँ, तो बॉक्सिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। बॉक्सिंग करने में अलग से कॉस्ट लगता है और हम फ्रेंड्स इंडियंस हैं, इंडियंस जितना हो सके जुगाड़ लगाने में एक्सपर्ट होते हैं, तो इसको मैं पैकिंग करके लाया हूँ नॉर्मली। सो फ्रेंड्स, अभी विंटर सीजन है तो फिश को प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि विंटर में जो है पानी ठंडा हो रहता है ट्रेवल के थ्रू, और फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम सब कुछ जो है स्लो डाउन हो जाता है, तो फिश ज़्यादा देर तक रह सकता है पैकिंग में, पैक्ड कंडीशन में। सो फ्रेंड्स, मैं इसके लिए विश्वदीप को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो इसको लेके आया यहाँ पे, कोलकाता से लेके आया, कोलकाता टू रायगंज। मैं रायगंज पर रहता हूँ तो ये कोलकाता टू रायगंज वो लेके आया है, और फ्रेंड्स मेरा जो है ट्रैवल कॉस्ट थोड़ा बच गया, तो उसको थैंक यू। और उसका एक चैनल है क्रिएटिव वर्ल्ड करके, वो नॉर्मली फिशेस का रिलेटेड ही वीडियो बनाता है, लेकिन वो ब्लॉगर टाइप का है, गाली स्ट्रीट ये जगह ऐसे जगह पे वो व्लॉगिंग करता है। तो अगर आप चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अगर पसंद होगा तो आप जाइएगा वहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको सपोर्ट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा कि इसमें क्या है। आप अगर अभी से देख पा रहे होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा ये एक रिवर मॉन्स्टर है। फ्रेंड्स, अगर आप रिवर मॉन्स्टर्स एपिसोड को फॉलो करते होंगे जर्मी वेट का, सो जितना मेरे को याद है कि ये फर्स्ट उसका एपिसोड था टीवी कास्टिंग में, सो तब से मेरे को इसको लेना था। ये रिवर मॉन्स्टर है लेकिन अभी ये छोटा है, तो ये उसका पॉकेट साइज वर्शन है, लेकिन ये बाद में जो है बड़ा हो जाएगा। तो आपको जो है अगर आपको इसको रखना है तो आपको एक पॉन्ड या 8-9 फीट का एक टैंक, लार्ज टैंक, ह्यूज टैंक चाहिए होगा। सो अभी फ़िलहाल मैं इसको 3.5 फीट का टैंक में रखने वाला हूँ, मेरा एरोना के टैंक में। मेरा एरोना और ये लगभग सेम साइज़ का है, सो पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको पार्टीशन देकर रखूँगा मिडिल में, बाद में पार्टीशन हटा के देखूँगा कि ये कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल फ़िश का जो है बिहेवियर, कैरेक्टर अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, सो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अरवाना के साथ तो अच्छे से रहना चाहिए, बायशीर के साथ तो मेरा रहेगा अच्छे से, बायशीर भी है उसमें, लेकिन अरवाना का मेरे को श्योर नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो मैं जो इसको फिर से अलग करके रख दूँगा। और ये फिश जो है फ्रेंड्स एक प्री हिस्टोरिक फिश है, आपको अगर पता होगा तो आपको पता चल जाएगा, मैं अनबॉक्सिंग करते करते आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सो फ्रेंड्स, अब इसको काटते हैं। ज़्यादा तो प्रॉब्लम होगा नहीं इसको खोलने में, इजीली हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप कौन सा फिश है? यह है एलिगेटर गार, जी हाँ। इसका साइंटिफिक नेम है एट्रैक्टोस्टियस पैचुला, और ये होलोस्टियन फिश है जो कि टेलियोस्ट के बहुत करीबी रिश्तेदार होता है, और तो और ये नियोप्टेरिजाय में आता है जो कि एक्टिनोप्टेरिजाय का एक सब क्लास है। होलोस्टियन है ये, मेनली ऑस्टिकथिस होता है, तो ये बाइशीट्स, एसिपेंसर जो होता है हमारा, ये सब बोफिन, अमिया जिसको बोलते हैं अमिया, ये सब जो है प्रीहिस्टोरिक रिजेंबल्स है। सो अभी हम ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाते कि इसको डायरेक्ट हम अनबॉक्सिंग कर दिया, अभी इसको हम टैंक में रखेंगे। आपको हम टैंक दिखा देते हैं कि कैसा टैंक है, एक मिनट पहले हम इसको रख देते हैं कहीं पे और आपको टैंक दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है इसको इस टैंक पर रखने वाले हैं। आप देख सकते हैं दो हिस्से में मैं डिवाइड कर दिया हूँ इसको, और इसमें एरोना है, बायशीर है इसमें, वहाँ पर देख सकते हैं पीछे वहाँ पर बायशीर है, लेकिन वो अभी थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि फिल्ट्रेशन होने, इतना छोटी जगह पे फिल्ट्रेशन है तो वाटर सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है। और हम जो है अपने एलिगेटर को इसमें रखने वाले हैं। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है ताकि स्ट्रेस थोड़ा सा रिड्यूस हो, और टेम्परेचर भी है, जो टेम्परेचर है इसका
लगभग 28 डिग्रीज के करीब है। सो फ्रेंड्स ऑल सेट है अभी। और जगह आप ये मत बोलिए कि जगह बहुत छोटा है, जगह छोटा है लेकिन ये कुछ समय के लिए है, बड़ा हो जाएगा तो इसको हम जो है बड़ा एक टैंक पे शिफ्ट कर देंगे। सो इस पे जो है हम इसको रखने वाले हैं फिलहाल के लिए। सो इसको हम अभी एक्लिमेटाइजेशन करने वाले हैं, देखते इसको आप अगर एक्लिमेटाइजेशन का मेरा वीडियो नहीं देखे, मैं फ्लावर को कैसे एक्लिमेटाइज किया था तो आप जो है लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं उसको, मेरे चैनल पर जाके भी आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। फ्रेंड्स तो हम इसको इस पे रखने वाले हैं, ये बहुत ही एक रॉ टाइप का सेटअप मैं किया हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ वाटर है, हीटर है, लाइट है, ये सब है। तो इसको हम अभी एक्लिमेटाइजेशन करने वाले हैं, इस पे रख देंगे। ये वीडियो फ्रेंड्स मैं नहीं बनाने वाला था, फिर भी मैं बनाया क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कि मेरे पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, शेयर करने से खुशियाँ बढ़ता है तो इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। इसको फिलहाल हम रैप कर देंगे ऐसे ताकि ये पानी में जो है स्टेबल बना रहे और टेम्परेचर जो है इक्वल हो जाए सराउंडिंग वाटर का, जो कि यहाँ पे 28 डिग्रीज है मेरा एक्वेरियम वाटर का और इसका बहुत ही कम है क्योंकि ये विंटर सीजन है। सो फिश को थोड़ा टाइम लगेगा, टेम्परेचर शॉक लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको जो है हम रख देंगे ऐसे फोल्ड करके। और फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे अपडेट दूंगा वीडियोस का, फिलहाल के लिए तो आप ये देखिए एलिगेटर का कंडीशन देखिए। और कमेंट कीजिएगा कि कैसा है, क्वालिटी सही है कि नहीं। इसका प्राइस मैं बोलना चाहूँगा, इसका प्राइस मेरे को 850 के करीब पड़ा। मेरे को पता है ये थोड़ा कॉस्टली है लेकिन ये कॉस्टली मिल रहा था अभी इसीलिए मैं लिया, लेकिन इससे सस्ता 600 इस साइज का ये करीब 7.5 इंच का है, तो पता है ये 600-700 में मिल जाता है, लेकिन ये मैं थोड़ा कॉस्टली पड़ा मेरे को, लेकिन ये जो है फ्रेंड्स मैं फाइनली ले लिया हूँ, एक अचीवमेंट की तरह लग रहा है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, बहुत ही खुशी लग रहा है कि ये फिश फाइनली मेरे पास आ गया। लेकिन प्रिकॉशंस लेना होगा, बड़ा टैंक या पॉन्ड बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अरेंजमेंट, प्रॉब्लम्स तो होगा, प्रॉब्लम फेस करेंगे तो ही जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और देखते हैं, आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे इसके बारे में, इसके लिए जो है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तो और फ्रेंड्स चैनल पे बने रहिए, वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके उसके बाद नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिए। सो अभी हम जो है पानी थोड़ा थोड़ा बाहर का ऐड करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट में एक मग करके ऐड करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि बाहर का पानी और अंदर का पानी का लेवल थोड़ा सा मैच हो जाए, तब हम जो है फिश को जो है एक्वेरियम पे छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स अभी देखते हैं, धीरे धीरे पानी देंगे। और फ्रेंड्स आप ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे फटा क्यों है, ये फ्रेंड्स फ्रैक्चर हो गया था, सो इसको बहुत ही डिफिकल्टी के साथ इसको मैनेज करना पड़ा, ये बहुत पुराना बात है, 3-4 साल पुराना बात है, फिर भी मैं इसको मैनेज कर लिया था। और अभी जो है फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ऐसे ऐड करते रहेंगे, बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट बहुत हद तक हमको सेम करना है, वाटर कंडीशन, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल सब कुछ अलग होगा, एग्जिस्टिंग वाटर और मेरे वाटर से, मेरे एक्वेरियम के वाटर से, तो जितना हद तक हो सके मैच करके उसके बाद छोड़ेंगे फिश को, स्ट्रेस मिनिमम से मिनिमम हो ये हम कोशिश करेंगे। बहुत ही हार्डी फिश है, फिर भी हम प्रिकॉशंस तो लेंगे क्योंकि हम लोग हॉबिस्ट है, तो कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, और ताकि फिश का हेल्थ का कोई इफेक्ट नहीं पड़े उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे भी इसको छोड़ देंगे पानी में तो भी कुछ भी नहीं होगा, फिर भी राइट प्रोसीजर ऑलवेज हेल्प्स। सो
सो ये देखिए नया वाटर आने के बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा है, ये दिख रहा है हमको, प्रॉब्लम होगा लेकिन ये तो होना ही है। हार्डी फिश है, ये एम्बुश प्रेडेटर है, सो प्रॉब्लम नहीं होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये फिश मेरे यहाँ पे तीन दिन बाद आया, मतलब सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि पैकिंग में तीन दिन तक था, उसके बाद ही आया, तो फिर भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एनर्जी ज़रूर कम हुआ होगा फिश का, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा होता है ट्रैवलिंग के थ्रू। सो कुछ प्रॉब्लम तो फिलहाल नहीं लग रहा है, देखते हैं बाद में क्या होता है। सो फ्रेंड्स जाते जाते आपको एक बहुत ही यूज़फुल टिप दे देता हूँ। आप ये मेथड जो है, कोई भी फिश अब नया लाएंगे एक्लेमेंटेशन करने के बाद ये करेंगे, सो आपको पता चलेगा कि फ़िश कितना मैच कर पा रहा है आउटर एनवायरनमेंट से। सो फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल है, आप देख रखी है कि क्या मैं करने वाला हूँ। आप डायरेक्टली आप हमारा एक घंटे तक जो है फिश को हम कंडीशनिंग कर लिए है, ठीक है, आउटर वाटर टेम्परेचर इनर वाटर टेम्परेचर सेम हो गया बिल्कुल, और बाकी सब जो है कंडीशन तो सेम नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक बाहर का वाटर दे के अंदर बहुत हद तक हम कुछ सब कुछ डिजर्व ऑक्सीजन लेवल सब कुछ सेम कर लिया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, फिश को डायरेक्ट अंदर से बाहर ना डाल के हम फिश को तय करने देंगे कि वो कहाँ पे रहना चाहता है, अंदर या बाहर, समझे। अगर फिश बाहर, उसको आपको मैं करके दिखाता हूँ, आप क्या करेंगे थोड़ा इंक्लाइन करेंगे, ठीक है, पैकेट को बाहर का वाटर और अंदर का वाटर मिल जाना चाहिए एक पॉइंट पे, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ठीक है। नीचे इसको पकड़ेंगे और बाहर का वाटर अंदर का वाटर मिला देंगे, और फिश को डिसाइड करने देंगे कि वो अंदर रहना चाहते या बाहर, क्योंकि फिश को प्रॉब्लम होगा तो वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। हम उसको जो है थोड़ा पता चलवा देते हैं कि क्या हो रहा है, फोर्स नहीं करना है, जेंटली उसको जो है पाथ दिखाना है कि ये पाथ है, जाना चाहता है कि नहीं। देखिए वो अभी फ़िलहाल जाना नहीं चाहता, ठीक है, ये देखिए आपको पता चल गया होगा कि उसको पाथ दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए पाथ उसको दिख रहा है, लेकिन फिश जो है अंदर ही है, तो हमको जो है इसको फिर से आधा घंटा रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम रखेंगे जितना टाइम तक ये एकदम कंडीशन खुद बाहर नहीं जाएगा तब तक, इसका एडवांटेज मैं बोलता हूँ, फिश को हम डिसाइड करने दे रहे हैं कि ये वाटर उसके लिए स्विचेबल है कि नहीं, बाहर का वाटर, ठीक है। तो जितना टाइम तक ये स्विटेबल उसके लिए नहीं होगा, तो हम उसको जो है इसी पे रखेंगे, वाटर बाहर का फिर से देंगे अंदर, और देते रहेंगे जब तक फिश बाहर नहीं निकलता। ये मेथड फ्रेंड्स फार्मर लोग भी यूज़ करते हैं, जब वो सीड लाते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से उसका पॉन्ड पे, उसका पॉन्ड का कंडीशन अलग होता है। सो ये मेथड जो है आप ऑर्नामेंटल फिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप है और बहुत ही यूज़फुल स्टेप है। ये बहुत सेंसिटिव फिश जैसे डिस्कस, इन सब के लिए भी आप बहुत ही एफिशिएंटली अप्लाई कर सकते हैं। फिश को डिसाइड करने देना है कि वो अंदर रहना चाहते हैं या बाहर, ठीक है। सो फिर से हम रखेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है और वीडियो पता ही है उतना अच्छा नहीं हो रहा है ये वीडियो, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर से 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि ये जा रहा है कि नहीं। देखिए मिला दिया बाहर का एनवायरनमेंट आउटर एनवायरनमेंट, और इस पे इसको थोड़ा पाथ दिखाएंगे हम कि कहाँ पे जाना है इसको। अगर जाएगा, देखिए वहाँ पे थोड़ा रुकेगा, चेक करेगा कि ये बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। ये देखिए गया, तो आपको ऐसा अप्लाई करना है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये वाटर हमको एक्वेरियम में नहीं देना है, तो उनके लिए नॉर्मली ऐसे ही रख सकते हैं, उठा के बाहर, अंदर से उठा के बाहर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मेथड जो है बहुत ही यूज़फुल है, वाटर का लेवल कैसा है, वाटर का कंडीशन कैसा है, फिश बोलेगा, ठीक है, आप नहीं फिश बोलेगा, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। देखिए फिश, तो ये एक फैकल्टेटिव एयर ब्रीदर है, सो इसीलिए एयर गल्प किया है, और इसका स्विम ब्लडर जो है हाईली
वास्कुलराइज्ड होता है, सो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर पाता है, सो इसको प्रॉब्लम नहीं होता। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जब लेवल कम होता है कोई कंडीशन पे तो ये डायरेक्ट एयर से जो है ऑक्सीजन ले लेता है, नहीं तो ये अपना गिल्स का उपयोग करके पानी में ही जो है रेस्पिरेशन करता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए अरवाना, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा पूरा का पूरा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए सी यू अगेन सून।